अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त नतीन ऑटो पर मौजूद हूँ। मेरे साथ नदीम साहब हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सारी गाड़ियों का काम तसल्लीबख्श होता है। ये तो आप सुन सुन के थक गए होंगे। ऐसी गाड़ी जो आप समझते हैं कि इसके खास डेंटर पेंटर और इस गाड़ी को समझने वाले लाहौर में कहाँ है, तो आप इसके लिए भी मतीन ऑटो में आए और नदीम साहब से मशवरा कर सकते हैं। हर दफा एक बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि यार इसका एक्सपर्ट कहाँ है। तो यानी एक्सपर्ट जो है मतीन ऑटो पे सारे एक्सपर्ट्स हैं। बहुत जल्द इनकी दूसरी ब्रांच जो है वो डिफेंस में खुलने जा रही है। अगर ये काम इतना तसल्ली बख्श ना करते होते तो आज दूसरी ब्रांच ना बनती। दूसरी ब्रांच बनने का मकसद ये कि इतनी डिमांड है कि जो इस वर्कशॉप में पूरी नहीं हो रही। बड़ी गाड़ी जो है वो जब शहर की तरफ आती है तो उस वक्त अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार ये काश के उधर उस साइड पे डिफेंस में या मॉडल टाउन या फैसल टाउन या इस साइड पे ये वर्कशॉप हो, तो हम लोग उन लोगों के लिए अब परेशानी का वो जो सोच है उनके ब्रेन में है कि यार काश काश की बात अब ख़त्म हो गई, अब डिफेंस के अंदर ये मतीन ऑटो खुलने जा रहा है। वो गाड़ियाँ कीमती गाड़ियाँ जो इधर आते हुए डरती हैं, वो गाड़ियाँ आप आराम से वहाँ पे काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा नदीम भाई, मुझे ये बताएं कि जो डिफेंस में हमारी वर्कशॉप खुलने जा रही है, किन किन गाड़ियों का काम करेंगे? यहाँ पर तो आप सारी गाड़ियों का काम करते हैं, तो वहाँ पे कोई मखसूस गाड़ियाँ आप ऑपरेट करेंगे, ठीक करेंगे? मखसूस समय लेके तकरीबन जो दो जो छोटी गाड़ी का काम इधर चौपटी में हुआ और बड़ी जो गाड़ी है उधर हमने स्पेशल उनके लिए पेंट बूथ, ठीक है, और स्पेशल जो टीम हमारी है जो 30 पेंट करे और 20 पकड़ा ना जाए, ठीक है, ठीक है, यानी कंपनी लेवल का काम हो, कंपनी लेवल का काम, कंपनी से भी बेहतर होगा, कंपनी से भी बेहतर होगा, कंपनी से भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। जो हमने उधर जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसका, जो पेंट वोटर और वगैरह जो चीजें लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छी क्वालिटी, इससे बहुत अच्छी क्वालिटी होगी हमारा। अब जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट पटीन हम जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी देख रहे हैं कि गाड़ी हम मीटर से चेक करके दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ी भी नहीं जा रही। जब बुर्दी में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करे। इससे और मज़ीद निखार के लिए हमने पेंट बूथ की क्वालिटी में और जर्मन का जो हमने वो पेंट बूथ वगैरह लगा रहे हैं उसकी वजह से और मज़ीद काम में निखार आएगा और काम भी अच्छा होगा। और कारीगर जो हमारे हैं ना वो इससे भी एक्सपर्ट हैं जो हमने रखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज से तकरीबन 30 साल पहले उस्ताद होते थे जो रेती लगा के विदाउट पटीन पेंट करते थे और पेंट भी नहीं पकड़ा जाता था, अब वो रेती वाला तो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। लोग कहते हैं जल्दी निकाल। अब वो दौर जो पहला था ना वो अब बंदा कोई नहीं मिल रहा, लेकिन दोबारा जो हमने ना दोबारा ढूंढ के वो कारीगर लिए हैं, आपने रीस्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, लड़कों से मेहनत करवा रहे हैं और इस काम पे हमने तवज्जो पूरी देनी है कि किसी बाइक की बड़ी गाड़ी अगर लग भी जाती है पीस भी चेंज हो तो वो ऐसा पेंट हो कि पकड़ा ना जाए, क्वालिटी का पेंट हो। अच्छा एक और बात है कि उसमें जब शोरे के डिफेंस सोसाइटी में जब वर्कशॉप खुलने जा रही है तो वहाँ पे क्वालिटी का काम होगा तो लोग पसंद करेंगे, और आपको पता है कि वहाँ पे लोग जो है वो टाइम को देखते हैं और काम को देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो है हमारा कैश है। तो ये बिल्कुल सही बात है, अगर अच्छी टीम वहाँ पर काम करेगी और वो तब हमें भी पता चलेगा और आपको पता चलेगा जब आप उस वर्कशॉप में काम करवाएंगे। ये इस वर्कशॉप में तो काम करवा के आपको एक्सपीरियंस है ही है, लेकिन उसमें जब आप आएंगे तब उसका पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी किस लेवल पे है। क्यों नहीं इंशाल्लाह इससे बेहतर होगी। ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया।